हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज उसका पहला लेक्चर है। उस लेक्चर वन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आइए गाइस समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ लीनियर, क्योंकि चैप्टर ही देखो क्या लिखा हुआ है। चैप्टर में लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर का मीनिंग पता होना चाहिए आपको क्या होता है। देखिए गाइज, लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर। जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, वन, उसे बोलते हैं आप लीनियर। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पे इक्वल का साइन आ जाए। वेरिएबल का मीनिंग होता है नॉन फिक्स्ड वैल्यू, मतलब उसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, आई होप आप ये पॉइंट समझोगे लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लीनियर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाइएस्ट पावर वन होती है। इक्वेशंस क्या होता है, जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता है। वेरिएबल क्या होता है, जो नॉन फिक्स्ड वैल्यू होता है। नॉन फिक्स्ड मतलब जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है, आपके पास वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू नॉन फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आती है गाइस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यदि हम बात करें वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस को, तो वो क्या क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर का मतलब एक पावर में होना चाहिए कंडीशन, और वो भी वन वेरिएबल की होनी चाहिए। वन वेरिएबल की मतलब केवल उसमें एक्स हो या वाई हो या जेड हो, यानी एक ही वेरिएबल हो, दो वेरिएबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू, बस, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। वाई प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन, ओनली वन वेरिएबल है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वाई इज इक्वल टू टू, वन वेरिएबल है। एक्स इज इक्वल टू थ्री, वन वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशंस है। इक्वेशन क्यों मैंने बता भी रखा आपको, जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है, जहाँ इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन हो जाए। इसलिए कहा इसने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आई होप ये पॉइंट भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको गाइस। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब चैप्टर यही था हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या होगा गाइस, दो वेरिएबल में बात करेगा। कितने बात करेगा, टू वेरिएबल्स में, यानी आपके पास अब कितने वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उसमें कोई भी इक्वेशन हो सकती है। मतलब गाइस समझिए, जैसे कि ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर का मतलब है एक पावर में होंगे सभी क्वेश्चन। जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेवन, या थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर, ये सब क्या है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इसलिए क्योंकि दोनों वेरिएबलों की हाईएस्ट पावर वन वन है। इसमें भी हाईएस्ट पावर वन वन है, इसमें भी हाईएस्ट पावर वन वन है, इसलिए लीनियर हो गया। दूसरी चीजें ये क्या हो गया, आपसे पूछा गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल, इसलिए देखो ये एक्स है और वाई भी है, एक्स एंड वाई, ये भी एक्स और वाई, ये भी एक्स और वाई है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग इस तरह की कंडीशन को डील करते हैं। ओके गाइस, अब इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है। वे मेथड क्या है, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एलजेब्रिकल मेथड। एलजेब्रिकल मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड स्पेशल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको एलजेब्रिक मेथड कराऊंगा, उसके बाद सबसे लास्ट में ग्राफिकल मेथड आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है गाइज, आइए इस बात को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि किसी चीज को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड वी फाइंड एक्स एंड वाई। हमें क्या करना होता है, क्योंकि हमारा क्या है कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स में, आपको
किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, उसके क्या मेथड थे, तो उसमें सबसे पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब्स्टिट्यूट मेथड की हेल्प से। कैसे करेंगे, उसने लिखा है कि वी फाइंड x एंड y फ्रॉम वन इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट इट इन द सेकेंड इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन की वैल्यू को उसको एक वेरिएबल में फाइंड करके उसे सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो नाउ वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच कैन बी सॉल्व, और वो इक्वेशन वन वेरिएबल में आपको गेट होगी और उसे आप इजिली सॉल्व कीजिए। आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आप इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल के आपसे। देखिए क्या लिखा हुआ है गाइज यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, बस ये समझो, किसी भी आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, उन दो इक्वेशन में से आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को पिक करना है, जरूरी नहीं हो फर्स्ट हो, जरूरी नहीं हो सेकेंड हो, ठीक है ना। तो कोई भी एक इक्वेशन को पिक कीजिए, उसमें या तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट कर लीजिए किसी एक इक्वेशन को पिक करके, या उसमें वाई की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एक्स में गेट कर लीजिए। तो किसी एक इक्वेशन से निकाल लेंगे ये वाला प्रोसेसर, उसमें से क्या करेंगे, उसे जैसे आपने एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई में गेट करी तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यानी जहां जहां एक्स होगा वहां पे उसके रिप्लेस में इन टर्म्स ऑफ वाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे सॉल्व कर लेना, दैट्स ऑल, हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए गाइस अब समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन आई फर्स्ट और सेकंड। अब आपके पास चॉइस है कि इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट। देखिए गाइस इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, इक्वेशंस में क्या गिवन थी आपको, दो कंडीशन गिवन थी, एक थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 पहली इक्वेशन, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 कंडीशन नंबर 2। आप इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल में फाइंड आउट कर लीजिए, किसी भी इक्वेशन से, चाहे इससे चाहे इससे, एज योर चॉइस। मैंने फर्स्ट ली, फ्रॉम फर्स्ट, यहां से मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट कर ली, चॉइस है, चाहे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकाल लेना। कैसे निकालते हैं वैल्यूज को, देखिए मैंने माइनस वाई को इधर ले गया और 5 को इधर ले आया, तो ये हो गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो मेरे पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में फाइंड आउट हो गई, ठीक है। जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में फाइंड आउट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर देना सेकेंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकेंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आप किस में पुट कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू जहां जब वाई होगा सिर्फ 3x प्लस 3y, देखो ये वाई है, इस वाई की जगह पूरी इक्वेशन पुट कर दीजिए, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। ये देखो पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, 3x 3 टू 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 11, लाइक टर्म्स वन साइड कर लीजिए, 6 और 3 9x माइनस 5 इधर जाएगा तो बनाएगा 16, तो x की वैल्यू आ गई 16/9। ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ये x की वैल्यू आ गई 16/9 गाइस, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे जहां पे आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट करेगी, ठीक है ना। चाहे तो यहां पुट कर लीजिए एज योर चॉइस, चाहे यहां पुट कर लीजिए, ठीक है, चाहे यहां पे पुट कर लीजिए, मर्जी है। एक बार आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फिर तो आप किसी भी इक्वेशन में उसे पुट कर लेना, वहां से आपके पास उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा यहाँ पे 2x माइनस 5 फिजिकल टू y में, पुट कर दीजिए, तो देखो कितना आ गया, x की वैल्यू 16/9 है, तो 16/9 माइनस 5 इज इक्वल टू y, पुट कर दिया आपने यहाँ पे, 16/32 माइनस 45/9 इज इक्वल टू वाई, यहां से कैलकुलेट कर लेना, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो
तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का समझ में आया होगा गाइस। ओके, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। आइए गाइस एक और एग्जांपल समझते हैं और उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ध्यान देना गाइस क्या लिखा हुआ है। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ गाइस, 7x माइनस के 15y इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। आपने फर्स्ट को पिक कर लिया यहां से, ठीक है, और इसमें क्या करा, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में फाइनल गेट कर ली, क्योंकि क्वेश्चन था 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो पहले आप 2 को इधर लेके आए, 15y को इधर लेके आए, ठीक है, ये हो गया आपके पास। यहां से y की वैल्यू गेट हो गई 7x माइनस 2/15। यहां से y की वैल्यू आपने फर्स्ट से यूज करी ना, तो फर्स्ट से आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट कर ली। तो अब जो बची इक्वेशन है, कौन सी बच गई, सेकेंड इक्वेशन, उसमें से पुट कर दीजिए। तो वहां पे जैसे आप इसे पुट करें, जहां y होगा सिर्फ वहीं पुट होगी ये वैल्यू 7x माइनस 2/15 y की वैल्यू, जहां पे y होगा उसके रिप्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये वैल्यू। तो आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जहां पे y था उसके जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू फाइनल गेट होगी। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आता है वन वेरिएबल से, देखो कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, ये मैटर करता है आपसे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू फाइनल गेट हो जाएगी, इस x की वैल्यू को जैसे ही आप फाइनल गेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू चाहे तो आप फर्स्ट में पुट कर देना, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी थर्ड में, जैसे आपने इसे वैल्यू को थर्ड में पुट करा, तो y की वैल्यू यहां से फाइनल गेट हो जाएगी आपको, कैलकुलेट करके y की वैल्यू हो जाएगी 19/29। आई होप गाइज ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। सेम एज इट इज गाइज एक थर्ड एग्जाम्पल है मेरे पास, देखिए थर्ड एग्जाम्पल भी समझेंगे क्या लिखा हुआ है गाइज। ये थर्ड एग्जाम्पल में आपके पास ये है ax माइनस by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से वही गाइज रूल है, हमने क्या कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें सिर्फ एक टारगेट करना है कि किसी टाइप से, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सेकेंड इक्वेशन से, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अनादर वेरिएबल में फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में उसे पुट करना है। दूसरी का जरूरी नहीं कि वो दूसरी, मतलब कोई भी इक्वेशन को चूज कर लो, जो रिमेनिंग बच जाती ना उस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, अब मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली एज योर चॉइस, जरूर बाउंडेशन नहीं है आपको फर्स्ट ही लेनी होती है, जैसे आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग ना करके उसको इजी करनी हो तो उसके अनुसार आप क्वेश्चन को डील करते हैं, मर्जी होती है वो आप कैसे करना चाह रहे क्वेश्चंस को। जरूरी नहीं है आप फर्स्ट इक्वेशन है आप सेकंड भी ले सकते हो, तो मैंने सेकंड लेके भी दिखा रखी है आपको। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी था, मैंने y को ही रोक दिया, x को उधर ले गया, तो ए प्लस बी माइनस x हो गया। सेकंड का यूज किया, तो यानी अब सेकंड से मैंने क्या किया, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल ली, इसको मैंने पुट कर दी फर्स्ट में। तो जैसे मैंने इसे पुट कर दिया फर्स्ट में, तो जहां y था उसके रिप्लेस पे क्या पुट कर दिया, a प्लस बी माइनस x। तो y के रिप्लेस पे देखिए y यहां था, पूरा समझ में आओगे आपके पास, ये y था, इस y के रिप्लेस पे पूरी वैल्यूज पुट कर दी, यदि कैलकुलेट कर लिया भाई, ax माइनस के ab माइनस के b स्क्वायर प्लस के bx, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, लाइक टर्म्स को एक जगह रख लिया, ax प्लस bx ये एज इट इज, माइनस ab प्लस माइनस के ए बी और प्लस के ए स्क्वायर ये इधर आ गया, तो प्लस के ए बी हो जाएगा, इन दोनों से एक्स कॉमन तो ए प्लस बी, इन दोनों से ए कॉमन तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू वन आ गई, सॉरी ए आ गई, एक्स की वैल्यू ए आ गई, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू फाइनल गेट हो गई। आई होप ये एग्जाम्पल भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए गाइज आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, सर बहुत ध्यान से समझेगा इस, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कैलकुलेशन इसमें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैटर करता है कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है ना गाइस। देखिए a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली इक्वेशन, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। आपका टारगेट क्या है, वही सब्स्टिट्यूट करना होता है, या तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में निकाल लीजिए, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल लीजिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ली, ये थी a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने y को ही रोक दिया, इस x को मैं इधर ले गया, माइनस ए प्लस एक्स हो गया।
अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दिस साइड पूरे में क्या कर देगा, डिवाइड, तो ये माइनस बी डिवाइड, ये पूरी की पूरी वाई की वैल्यू आ गई। इस पूरी वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा कंडीशन नंबर सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट का आपने यूज किया वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स में निकाल कर। अब आपको करना क्या है, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है सेकेंड इक्वेशन में जहां केवल y होगा। तो देखिए इस इक्वेशन में केवल y यहां लिखा हुआ है, तो a माइनस बी एक्स एज इट इज प्लस ए प्लस बी एज इट इज, y की रिप्लेस में सारी वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या किया, इसमें पूरे पे एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में वन लेते हुए इस पूरे का एलसीएम ले लिया ए माइनस बी, ये हो गया ए माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसके इसमें मल्टीप्लाई, इसके इस साइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसे आपने क्या किया, एक्स वालों को एक साथ ले लिया, लाइक टर्म से एक साथ, ये लाइक टर्म से उसको एक साथ लिया, ये अपॉन ए माइनस बी था उसे आप इधर ले गए, तो ये आ गई कैलकुलेशन में, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली जो बच गई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब जो कटता है उसे काट दो, जो छटता है उसे छाट दो, जो बचता है उसे बचा दो गाइस। ओके, तो कैलकुलेशन वर्क करने के बाद आपके पास फाइनली कट पिट छट के एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। देखिए कैलकुलेशन वर्क है, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, अब आपको इक्वेशन नंबर से किसमें पुट कर दिया, थर्ड में। थर्ड क्या थी, ये वाली कंडीशन जहां पे आपने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ x के रिप्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए। देखिए ये लिख रखा है इसने, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स के रिप्लेस पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए डिवाइड बाई ए माइनस बी। पूरे का एलसीएम ले दिया ऊपर वालों का टू ए, टू ए एलसीएम ले तो सर जो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके कंडीशन आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए। ध्यान रखेंगे गाइस, ए बी वाले क्वेश्चनों की कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें एलसीएम लेते टाइम कहीं ना कहीं गलतियां जरूर होती है मोस्टली, ठीक है। तो मेन मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि इन सभी कंडीशंस में आपको कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन जहाँ छोटी सी एरर करी आपने वहाँ पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। गाइज ये चारों एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाए, इन चारों के चारों एग्जांपल को आप एक काम करेंगे, दोबारे से क्वेश्चन को अपने आप डील करके देखेंगे, जो डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, तो आज के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी रहेगा, कल मैं इसमें कराऊंगा एलिमिनेशन, और दूसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, रोज एक मेथड भी करेंगे, कोई ट्रबल वाली बात नहीं है गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।